Assalamu alaikum everyone, welcome to another review of Kabhi Main Kabhi Tum. If you have not subscribed my channel yet, do subscribe my channel for more and more reviews. So talking about the recent episodes, as we know, Sharjina shadi ke baad apne naye ghar mein aa gayi hai. Uski entrance bhi ho gayi hai, koi warm welcome nahi hua. Sas ka cold behavior, and then even Fahad Mustafa is unable to understand now what to do. So what's next? That's going to be the next question, not only for himself but also for Sharjina, because Hani Amir, Sharjina, she took leap over faith, and now she have no answer for any lucid, even any lucid inquiry of Fahad Mustafa. She's unable to answer because she doesn't know what will be the what will be future of this decision. So let's see how it goes. She started having emotional breakdowns even from the very first entrance. Jaise wo kamre mein enter hui, kamre mein entrance ke baad washroom mein ja ke rona, then kamre se bahir aana, kisi ka kana khana poochna, nothing else. So it's all disaster for her. Aise hi hota hai, haste makes waste, but still she will try her best to make it. Yeah, अभी तो बिकॉज उनकी जैसे शादी हुई है और क्या कुछ हो रहा है, उसको क्या फेस करना पड़ेगा. इवन अगर उसके ससुर जो है वो अच्छे भी हैं, बट स्टिल घर की मालकन, तो घर के सारे काम, एवरीथिंग इज अंडर सुपरविजन ऑफ सासू माँ, तो वो तो सब कुछ काम करवाएंगी उससे, चाहे किसी भी तरह वो उसको टॉर्चर करें या उसको इमोशनली स्ट्रेस देने के लिए कुछ भी करेंगी, चाहे उसको खाना पकवाने में, उसके इंसल्ट करने में, बिकॉज वो अनवांटेड बहू है. तो इवन उसको गाड़ी भी नहीं देना चाहती कि वो बाइक पे ही आएगी, क्योंकि वो शी इज़ स्टिल मिसिंग हर भूषण सारी. उसकी सास अभी तक अपने पुराने बेटे को, अपने बड़े बेटे, नॉट पुराने बेटे को, अपने बड़े बेटे को मिस कर रही है. सास का सारा गुस्सा जो कि उसको अपने बेटे के घर छोड़ने की वजह से है, वो सारा शर्जीना पे उतर है. कभी उसको वो टॉर्चर करती है, उसकी लाइफ को मिजरेबल बनाने की कोशिश करेगी, जो कि शर्जीना अपनी अकलमंदी से किसी ना किसी तरह संभाल लेगी. अभी तो उसने घर की सफाई शुरू करना की, घर की सफाई करना शुरू कर दी, घर के खाने बनाना शुरू कर दिए. ऑल्दो फहद मुस्तफ़ा इज़ नॉट सो सीरियस गाय, बट ही इज़ लिसनिंग टू हिज वाइफ. अपनी वाइफ का कहना भी मान रहा है, उसकी बात भी सुन रहा है उसकी, लेकिन अपनी भी जहाँ पर उसको अपनी चलानी है, लाइक उसको जॉब नहीं करनी है तो वो नहीं करनी है. सो लेट्स सी हाउ दिस गोज फॉरवर्ड. सो कभी मैं कभी तुम की रीसेंट एपिसोड जो थी, वो जस्ट शादी के बाद के पहले दो चार दिन थे, जो या दो चार दिन या दस दिन के अंदर जो मेन हाईलाइट्स होती है वो ये थे, जो कि नॉर्मल और रूटीन लाइफ होती है. या बट द कंपैरिजन वाज गुड. जो घर की शादी है उसमें बिरयानी पकी है, और जो होटल की शादी है मैं वहाँ पर केक कट रहा है. दैट वॉज गुड, लाइक इन कंपेरिजन बोथ मैरिजेस वर गोइंग ऑन. जोबलेस की शादी में उसको मुंह दिखाई भी कुछ नहीं मिला, और जो कंपनी का मालिक बनने जा रहा है उसकी शादी में उन्होंने हनीमून भी प्लान कर लिया, लाइक ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट दे इवन प्लान देयर हनीमून वेयर दे गोना गो. सो या इट वाज फनी. उसकी सिस्टर बहुत अच्छी बनने की कोशिश भी कर रही है, बट बन भी नहीं पा रही है बिकॉज शी इज़ इन द मिडल फहद मुस्तफ़ा सिस्टर, बट शी इज़ प्लेइंग वेरी नाइस एक्टिंग. बट उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लाइक वो फील भी करती है अपनी भाभी को, नहीं भी करती है, अपनी मम्मी को भी समझाती है, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इंसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं. सेम इट्स लाइक उसके बेटे के घर छोड़ जाने का सारा गुस्सा वो शर्जीना पे निकल रहा है. सो वो उसी को समहाउ शी इज़ थिंकिंग लाइक शी इज़ मिस्टेकन फॉर दैट. और शर्जीना हर तरह से कोशिश करेगी इस रिश्ते को निभाने की. इमोशनली शी विल फील अलाउन मैनी टाइम्स, बट देन मुस्तफ़ा का सेंस ऑफ ह्यूमर विल ब्रिंग हर बैक, जो उसको आपस में उनका प्यार भी बढ़ाएगा, एंड एट द एंड इट्स गोना गो समवेयर एल्स. सो लेट्स सी, दैट वाज ओनली थिंग. एंड हाँ, नाश्ते पे उसका आना, नाश्ते पे ना होना, दीज आर द कॉमन थिंग्स विच गोना गो हैपन विद द टाइम, एंड देन ही फहद विल रियलाइज, मुस्तफ़ा सॉरी. सबसे अच्छा पॉइंट वो था कि जब अदील शर्जीना और मुस्तफ़ा को देख लेते हैं, ही वॉज शॉक्ड लाइक ये दोनों इकट्ठे क्या कर रहे हैं. एंड इवन हिज वाइफ रुबाब, लाइक शर्जीना इसकी एक्स इसके भाई के साथ क्या कर रही है. तो
तो वो अभी यही सोच रहा है, उसमें उसको टेंशन होगी. बट एनी हाउ समवेयर एट द पॉइंट ऑन ड्रामा अदील गुना मिस दैट वाई ही लेफ्ट शर्जीना, बिकॉज रुबाब का बाप अदील को कभी भूलने नहीं देगा दैट ही हैज अ लोअर स्टेटस. आई एम वेटिंग फॉर द केमिस्ट्री बिटवीन फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर, हाउ दे गोना टेक देयर डिसीजन इन अ पॉजिटिव वे. दे गोना देयर इट्स इवन इफ इट्स लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इट्स ऑलवेज अप्स एंड डाउन इन द लाइफ. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील विद इट, हाउ यू कीप अ बैलेंस ऑफ योर लाइफ विद योर इमोशंस. सो लेट्स सी हाउ दे ब्रिंग अ बैलेंस इन देयर लाइफ एंड मेक इट सक्सेसफुल. बेस्ट डायलॉग था जब हानिया आमिर अपनी सास को जवाब देती है कि बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप का काम है, लड़के की जिम्मेदारी माँ बाप का काम है, बीवी का नहीं है काम कि वो आए और उसको सुधारे. सो दैट वाज द बेस्ट एपिक आंसर टू हर ससुमा. सो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. अंटिल नेक्स्ट रिव्यू, बाय बाय.